और इस बीच गढ़वा से मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 30 लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने इन पर धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों को पकड़ा है और धक्का मुक्की हुई है उनके साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे गढ़वा से, जहां 30 लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। इस दौरान स्थानीय लोगों की उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई है। धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों का विरोध देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंदू लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा जा रहा था। इस दौरान धार्मिक पुस्तकें भी बांटी जा रही थी, जिसका विरोध लोगों ने किया और इसकी शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। गढ़वा शहर के कोयरी मोहल्ले की ये घटना है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, गढ़वा में धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास, उसको लेकर स्थानीय लोगों का विरोध, पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में। जी दीपक, मैं बता दूं कि यह मामला नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 18 का है, जहां पे कुछ संदिग्ध लोग को सुबह से ही देखा जा रहा था और उसमें से कुछ लोग हैं वहां जो महिलाएं थी उनके घर जाकर उन्हें जो बुक है, जो इस्लाम बुक जो है वो बाइबल और अन्य से संबंधित है, उन्हें पढ़ा रहे थे और दिखा रहे थे। जब स्थानीय लोगों को शक हुआ तो उनसे पूछताछ करने लगी तो वे जो टेम्पू पर आए थे उस टेम्पू में लगभग कई संख्या में वो बुक बरामद हुए हैं और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया वो अपने स्थल तमिलनाडु बताया और उसमें एक सीआरपीएफ का जवान था वो भी उसमें शामिल था। जब उनसे पूरी पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि उनकी टीम में 70 लोग हैं जो गढ़वा पहुंचे हैं और कुछ अलग अलग जगहों पर रहे हैं, जैसे नगर परिषद के आश्रय गृह में भी 30 लोगों ने अपना आश्रय लिया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से लगभग 15 से 20 लोगों को पुलिस को सुपुर्द किया गया है और अन्य लोग अभी फरार चल रहे हैं। जी दीपक, तो इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो रही है? धर्मांतरण का मामला काफी संवेदनशील मुद्दा है, इसको लेकर प्रशासन सचेत है? देखिए दीपक, अभी पुलिस प्रशासन जो स्थानीय है, शहर के पुलिस जो है वो अभी जितने लोग थे वहां पे जिन्हें पकड़ा गया था लगभग 20 लोग हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और पुरुष भी हैं, उन सभी को थाना ले गई है और उनके जो बुक है उन्हें भी सील कर दिया है, जिस रूम में रहते थे उन्हें भी सील कर दिया है। फिलहाल पुलिस अभी उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो किसके कहने पर आए थे और उनका मकसद क्या था। चलिए नजर बनाए रखें धर्मेंद्र, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।